हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं आपके लिए ये वाला पार्टी मेकअप लाई हूँ, क्योंकि क्रिसमस और चला गया अभी, आज 26 है तो न्यू ईयर आ रहा है। न्यू ईयर के पार्टी के लिए मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलिए। और मैं थोड़ा सा मोटी हो गई, इसलिए मुझे थोड़ा हेल्दी लग रही हूँ अभी। तो थोड़ा सा मैंने बाल को कर्ल किया है, और ये वाला जो ब्राउन और ब्लू कलर का ग्लिटर, थोड़ा स्मोकी टाइप ऑफ मेकअप लुक किया है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगे ये वाला मेकअप लुक। और अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग पार्टी मतलब कहाँ कहाँ पार्टी करेंगे, क्या करेंगे, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। मैं तो नहीं करूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड है यहाँ पे आज, तो मतलब 26 से इतना ज़्यादा ठंड कि मैं बोलूँ मतलब पूरा जैसे बर्फ़ गिर रहा है ऐसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। मेकअप प्राइमर से तो मैं फर्स्ट प्राइमर यूज़ करूँगी। तो प्राइमर के लिए मैं एक मतलब थोड़ा सा, वैसे मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा मतलब पोर्स है, बहुत ज़्यादा स्पॉट्स दिख रही है आप, क्योंकि रिसेंटली मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट हो गया था। मैंने एक क्रीम लगाया था, मैं उसका नाम नहीं भूलूँगी, मतलब ब्रांड का नाम नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना मतलब गंदा क्रीम है ना, ये लगाने के बाद ही मेरा पूरा फेस ख़राब हो गया है। अभी मैंने स्टॉप कर दिया है वो लगाना, नहीं तो मेरा इतना ख़राब स्किन नहीं था। तो फर्स्ट मैं प्राइमर यूज़ करूँगी। तो प्राइमर के लिए ये वाला मैं रिमल का प्राइमर यूज़ करूँगी गाइस। तो ये है रिमल का, ये है रिमल का फिक्स एंड प्रोटेक्ट प्राइमर, मेकअप प्राइमर। इसमें लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें एंटी पोल्यूशन, एंटी स्ट्रेस, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग लगता है, इसलिए मैं यूज़ करूँ, क्योंकि अभी विंटर का टाइम है और मैंने थोड़ा सा वेट गेन भी किया है ना गाइस, तो इसीलिए मुझे थोड़ा ब्रेकआउट्स भी हो रहा है। तो ये मैं एज ए प्राइमर यूज़ करूँगी। एक्चुअली मुझे सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि मुझे पोर्स है, लेकिन अभी विंटर का टाइम है तो मैं यूज़ करूँगी। और ये एक पार्टी मेकअप है ना, तो थोड़ा सा ग्लोई ग्लोई तो चाहिए फिर। ऑलरेडी मेरे फेस को पहले मॉइस्चराइज कर लिया था, तो मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है। देखिए इमीडिएटली फेस पे ग्लो आ गया है, आपको थोड़ा सा साउंड सुनाई देगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा साउंड सुनाई ही देता है। मैं मॉइस्चराइजर की तरह यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना एक क्रीम की तरह है, तो आप मॉइस्चराइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए फेस पे थोड़ा सा एक ग्लो आ गया है। अभी मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा पोर्स को छुपाने के लिए मैं ये जो सिलिकन बेस जो प्राइमर है ना, ये वाला जो ये है ब्लू हेवन का फ्लॉलेस मेकअप बेस प्राइमर, तो इसको मैं थोड़ा सा लेके, बस इतना सा लेके अब मैं मेरा जहाँ पे मतलब पोर्स है वहाँ पे मैं थोड़ा सा लगा दूँगी, तो मेरा पोर्स जो है वो फिल हो जाएगा। मैं व्हाट्सएप पर मैं नहीं कर रही हूँ ये वीडियो, ऐसे ही कर रही हूँ। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा जनरेशन के लिए मैं मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे पता है ये थोड़ा सा मतलब कि मैट फाउंडेशन है, फिर भी ये फुल कवरेज है तो पार्टी के लिए ठीक है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ। मुझे इतना ज़्यादा अभी मतलब फाउंडेशन यूज़ करना इतना अच्छा नहीं लगता, मैं करती भी नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कम मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ। तो यहाँ पे लेके मैं पहले क्या करूँगी, अपने फेस पे यूज़ करूँगी। थोड़ा सा लाइट है मेरी स्किन से, ये इसका शेड है शायद न्यूट्रल न्यूड है, ये वाला शेड थोड़ा सा लाइट है मेरी स्किन से। गले पर मैं क्या यूज़ करूँ, ये तो पूरा नेक ब्लैक है ना, तो लग जाएगा यहाँ पे, तो जस्ट मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रही हूँ। और ये वाला जो फाउंडेशन है बहुत ही ज़्यादा फुल कवरेज फाउंडेशन, आप लोग ब्राइड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी मतलब कि वेडिंग सीजन चल रहा है और बहुत सारे ब्राइड्स खुद से मेकअप करते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इमीडिएट ब्लेंड करना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा टाइम तक पार्टी में रहना पड़ता है, उस टाइप का फाउंडेशन है, तो आपको इमीडिएट इसको स्किन पर ब्लेंड कर देना होता है, नहीं तो ये सेट हो जाता है, फिर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाएंगे। और ये दूसरे साइड से थोड़ा सा और मतलब जितना भी मेरा एक्स्ट्रा है उसको मैं ब्लेंड कर दूँगी। अभी विंटर का टाइम है और इतना ज़्यादा ठंडा है हमारे यहाँ पे, मैं क्या बोलूँ आपको। ये मेबेलिन का जो फिट मी का कंसीलर है ये वाला मैं यूज़ करूँगी, पूरा ड्राई हो गया है पता नहीं क्यों, तो इसको मैं अपने अंडर आइज पे, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब हैवी मेकअप करूँगी ना, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा लगा रही हूँ अपने आइज के ऊपर भी, जहाँ जहाँ पे कंसीलर लगाती हूँ वहाँ वहाँ पे मैं लगा रही हूँ। देखिए इतना भद्दा दाग है ना, नहीं जाता है किसी भी फाउंडेशन से भी नहीं जाता है। मेरा क्या होता है, मेरा स्किन में अगर कोई दाग हो जाता है ना, तो वो पूरा 1 ईयर लगता है जाने में, पता नहीं मैंने कि वो क्रीम यूज़ किया था, एक बार यूज़ किया हुआ, फिर दूसरी बार यूज़ किया, मैंने सोचा नहीं होगा, फिर दूसरी बार वो कैसा होकर पूरा फट गया फेस। तो अभी इसको अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं, ये ड्राई हो गया है एक्चुअली, ये वाला जो कंसीलर है ना बहुत पुराना हो गया है ना, तो ड्राई हो गया है। वैसे ये वाला कंसीलर बहुत अफोर्डेबल में बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता नहीं, वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि वीडियो में व्यूज़ आता है 2-3, में ही मुझे लगता है मैं यूट्यूब में सबसे ज़्यादा अनलकी हूँ। 2-3 साल से वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मेरा 100 भी व्यूज़ नहीं आता है
वीडियो पे इतना भी खराब मुझे नहीं लगता, इतना गंदा वीडियो बनाती हूँ मैं, पता नहीं यूट्यूब से ही रिकमेंडेड नहीं होता है, पता नहीं क्या है, मुझे मन भी नहीं करता है इतना, मतलब बहुत यूट्यूब वीडियोज़ बन, मतलब मेकअप वीडियोज़ बनाना बहुत बहुत टफ है। मैं मेबलिन फिट मी का जो लूज पाउडर है ये वाला यूज़ कर रही हूँ, मेरा शेड है लाइट लेगर 15, ये बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब मेरा बहुत फेवरेट फाउंडेशन, मतलब लूज़ पाउडर है, और एक ख़त्म ही नहीं होता है, मैं कब से यूज़ कर रही हूँ, देखिए अभी अभी भी इतना है, ख़त्म नहीं होता है, इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते इसको, मुलायम पाउडर है, स्किन पे दिखाई नहीं देता है कि हम लोगों ने कोई पाउडर यूज़ किया है। तो इससे मैं थोड़ा सा बेक करूँगी, अभी विंटर है फिर भी मैं थोड़ा सा बेक करूँगी, मतलब कंसीलर जो होता है ना अगर बेक नहीं करते ना तो वो क्रीज कर जाता है फेस पे, मैं थोड़ा सा जितना है इस पे वही थोड़ा सा डस्ट कर दूँगी, क्योंकि मेरा स्किन थोड़ा सा ड्राई है ना, अगर मैं ज़्यादा पाउडर यूज़ करूँगी तो वो मेरे स्किन पे मतलब अच्छा नहीं लगता है देखने में। देखिए मैंने बहुत टाइप का वीडियोस बनाया है लेकिन कोई भी वीडियोस लोग नहीं देखते, बहुत टाइप का बनाया है, जैसे कि लोगों का, लोग एक इंस्पायर्ड वीडियो बना के लोग वायरल हो जाता है, मैं इतना सारा बना रही हूँ लेकिन मेरा नहीं होता है। तो अभी मैं ये वाला कंटूर पाउडर यूज़ करूँगी, ये वेट एंड वेल का कंटूर पाउडर है, तो इसको लेके मैं क्या करूँगी, कंटूर करूँगी आज, क्योंकि मेरा फेस को थोड़ा सा स्लिम दिखाना है, मोटी हो गई हूँ थोड़ा सा, और मेकअप पार्टी मेकअप में थोड़ा सा ऐसे कंटूर वगैरह अच्छा लगता है। थोड़ा सा नोज को भी कर देते हैं, देखिए इमिडिएटली नोज थोड़ा सा शार्प लग रहा है क्योंकि मेरा ईयर साइड थोड़ा सा मोटा है। लगाया है ना, मतलब जिस बेक किया है उसको मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी। ब्लश है ये NYB का सनसेट स्काईलाइन ब्लश है, ये मुझे फ्री में मिला था, 230 रुपीज़ है इसका प्राइस, और ये वाला जो शेड है ना गिर गया था, तो ये वाला जो शेड है ये मुझे मिल नहीं रहा है, एक बहुत ही सुंदर एक शेड है, देखिए काइंड ऑफ ब्रॉन्जिंग शेड ही है, तो इसको मैं थोड़ा सा कम पिगमेंटेड है, तो इसको मैंने जहाँ पे मतलब कि कंट्रोल यूज़ किया है ना वहीं पे मैं लगाऊंगी, थोड़ा सा ब्लश ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि मुझे विंटर में ब्लश थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। ये अपने फेस को सेट करूँगी ये वाला जो हाइलाइटर लगाने से पहले, तो मेरा फेस सेट हो जाएगा, तो जितना पाउडर मैंने यूज़ किया है वो मेल्ट हो जाएगा और हाइलाइटर भी अच्छे से पॉप होगा। तो अब मैंने मतलब थोड़ा सा सेटिंग्स पे लगाया तो मेरा जितना भी पाउडर है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है, देखो अभी अच्छा लग रहा है, ग्लो आ गया है फेस पे, तो जो मैंने सेटिंग्स पे लगाया है वो ब्लू हेवन का सेटिंग स्प्रे है, अफोर्डेबल में बहुत अच्छा सेटिंग स्प्रे है। अभी मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी, तो हाइलाइटर के लिए ये मेबलिन का मास्टर ग्रूम हाइलाइटर, मतलब आधा तो पूरा टूट टूट के गिर रहा है मेरा, तो ये वाला रोज़ गोल्ड शेड है, अगर आपको पसंद है मोल्टन मतलब गोल्ड भी एक है वो भी आप ले सकते हैं, तो इसको मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे, थोड़ा थोड़ा गीला जब रहेगा ना आपका जो सेटिंग्स पे रहता है आप लगा दीजिए। मैं फेस पहले करती हूँ, मुझे पसंद है, कोई कोई पहले आइस करता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता।
पहले मैं रेगुलर वीडियोस देती आ करती थी, लेकिन लोग देखते ही नहीं तो क्या दो, लेकिन मुझे इतना देने का मन भी नहीं करता। कोई फिल्टर कुछ भी यूज़ नहीं किया है, मेरा जो नॉर्मल सा फ़ोन है उसका कैमरा है, तो यहाँ हाइलाइटर लगा रहे हैं किसी से थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, क्योंकि लोग थोड़ा सा फिल्टर यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग। आईब्रो पैलेट है स्विस ब्यूटी का, वही वाला यूज़ करूँगी, उसमें से एक डार्क ब्राउन शेड लूँगी और अपने आईब्रो को फिल करूँगी। उसमें एक मतलब ऐसे ब्रश आता है, तो मैं आईब्रो फिल करी। तो अभी मैं ब्लू हेवन का जो स्कल्प्ट एंड सेट ब्राउ जेल है विथ विटामिन B5 बीज़वैक्स एंड फाइबर्स, उसमें फाइबर्स भी है, तो इसको लेके मैं थोड़ा सा अपने आईब्रो को सेट कर दूँगी, क्योंकि अब लोग डांस वगैरह करेंगे तो आईब्रो भी सेट रहेगा। मैं तो ज़िंदगी में कभी पार्टी भी नहीं किया और गई भी नहीं न्यू ईयर वगैरह में। तो अभी मैं आई मेकअप स्टार्ट करती हूँ गाइस, तो उसके लिए मैं ये स्विस ब्यूटी का पैलेट है, ये मतलब कलरफुल पैलेट है, इसको यूज़ करूँगी। और पहले एक दोनों ब्रश ही प्रो आर्ट का है, तो मैं ये वाला ब्रश पहले लूँगी और लेके ये वाला जो ब्राउन शेड है ना, इसको लेके मैं अपने क्रीज पे यूज़ करूँगी। बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है वहाँ पे, ना पिगमेंटेड है मैंने सोचा नहीं था। आपको ऐसे ब्रश को राउंड 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 बिगड़ जाता है, ऐसे राउंड 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 इसको ब्लेंड कीजिए तो आपका जो बिगड़ गया ना वो ठीक हो जाएगा, और साइड में ऐसे कर लीजिए। ब्लू शेड है ना, इसको ऐसे लेके जस्ट पैट करूँगी अपने आईज पे। ये एकदम सिंपल है, आईलो ये सिंपल आईलो के बट पार्टी में अच्छा लगेगा। पढ़ो गिर जब बस मतलब आपको सिर्फ पैट पैट करना है, फ्लैट ब्रश भी ले सकते हो और ऐसे ब्रश भी ले सकते हो। सब लोग ये मतलब ये वाला आलू पसंद नहीं करेंगे, पर मुझे थोड़ा सा ये वाला लेके और थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा बिगड़ गया है ये साइड। ये वाला जो ब्राउन शेड है उसको लेके अपने ये वाला ब्राउन शेड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, इसको आप कॉन्टोर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी सेम ब्लू शेड लूँगी लेके फिर उसके नीचे मैं ये प्लेस करूँगी। ये वाला जो शिमर है ना, इसका भी ब्रांड भी भूल गई मैं, हाँ चाओबा करके कुछ ब्रांड है, थोड़ा सा प्राइस ये 349 है, तो मैं ये पर्पल से लाई थी, बहुत ही अच्छा है, एक ब्लू कलर का, देखिए कितना ज़्यादा भी, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर लगा दूँगी। देख रहे हैं कितना ज़्यादा मतलब कि पिगमेंटेशन कितना बढ़िया है, हैं नो एले कलर्स का है जम्बो आई पे, तो इसको मैं अपने आईज पे लगाऊंगी तो एक डॉल जैसा आई इफेक्ट आ जाएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा आँखें लगेगा। आप लोग ब्लैक काजल भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा बड़ा बड़ा आँखें दिखाना है। देखिए इमीडिएटली आँखें बड़ा हो गया बाबा, लेकिन मुझे दाग पड़े जाए सुनते छोड़िए बोलो। अभी मैं ये मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये है मेबेलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा, सब मस्कारा ख़त्म हो गया और जम भी गया है, तो इसको मैं अपने आईज पे मेबेलिन के सारे मस्कारा से बहुत अच्छे होते हैं, और ये वाला तो मतलब कि बहुत ही अच्छा है। और अभी एक नया है ना स्काई है मस्कारा, तो मैंने मतलब यूज़ नहीं किया है, सुना है बहुत अच्छा है। ये देखिए कितना अच्छा अपने मतलब कि आईज में एक लेंथ और वॉल्यूम देता है, सेपरेट भी टाइप यूज़ करती है ना लेंस और आईलैश, इस पर अच्छा लगता है।
जहाँ मेरा जो आई मेकअप है बहुत ज़्यादा लाउड है, तो इसीलिए मैं जो लिपस्टिक रखूँगी वो लाइट ही रखूँगी। और ये है 25 मोल्टेन पिंक, ये वाला कलर, तो इसको मैं यूज़ करूँगी और इसके ऊपर मैं ग्लॉस लगाऊँगी। इसका वॉन्ड भी मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा सा स्लॉन्टेड है, इससे आप अच्छे से अपने लिप्स को शेप दे सकते हैं। ये वाला स्विस ब्यूटी का, स्विस ब्यूटी का ग्लॉस में लिप ग्लॉस है, ये क्लियर ग्लॉस है, ये 199 में मिलता है, तो इसको मैं यूज़ करूँगी। और अभी विंटर का टाइम है और पार्टी मेकअप में अच्छा लगता है मतलब ग्लॉस। गाइस मैं भूल गई, मैं ये वाला ना जो शेड है ना इसको मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे, क्योंकि पार्टी मेकअप है तो ये वाला नहीं लगाने से अच्छा नहीं लगता है, तो ये इनर और ब्राउ बोन पे थोड़ा सा लगाऊंगी, तो मेरे जो जो मतलब उठा हुआ जो साइड है ना मेरे, जैसे ब्राउ बोन और ये वाला थोड़ा सा हाईलाइटेड लगेगा। सो या गाइस दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक, तो आई होप कि आपको अच्छा लगे ये वाला जो लुक मैंने क्रिएट किया है, अच्छा लगे, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये वाला लुक। और आप लोग भी पार्टी में ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे मतलब न्यूट्रल अच्छा नहीं लगता है, मतलब न्यूट्रल क्या मतलब स्मोकी अच्छा नहीं लगता है और लिप्स थोड़ा सा आपको डार्क रखना है, तो आप लोग डार्क भी रख सकते हैं लिप्स, लेकिन मुझे लगा कि इतना ज़्यादा लाउड आई मेकअप है तो लिप्स थोड़ा सा मतलब न्यूट रखो, मुझे न्यूट लिप्स ही पसंद है। और ये वाला शेड ना अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर इन पर्सन बहुत ही सुंदर शेड है, इनसाइड कॉस्मेटिक्स का है, मोल्टन रोज करके एक शेड है। और इसका प्राइस कितना है पता है, 99 सेल में आपको 90 मतलब 100 के नीचे मिल जाएगा ये वाला लिपस्टिक, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही थिन होता है लिपस्टिक, मतलब आपके लिप्स पे लगेगा ही नहीं कि आप लगाया है, वो लगाया हुआ है, और कंफर्टेबल है विंटर के टाइम पे, और इतना कम अफोर्डेबल में मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके ऊपर मैंने ग्लॉस लगाया हुआ है क्योंकि मुझे पार्टी मेकअप में ग्लॉस बहुत अच्छा लगता है। तो यार दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक, आई होप कि आपको अच्छा लगे वीडियो, अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, उसके पास में घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा, ऑल में नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, तो मैं जब भी आपको वीडियो से मतलब अपलोड करूँगी आपके पास पहला नोटिफिकेशन आएगा। तो या तो मिलती हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं दर्श दीपाक्ष में, तो वहाँ पे जाके भी मुझे फॉलो कीजिएगा। बाय गाइस।